हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैंगो मस्तानी बनाने वाले हैं। आजकल समर है, गर्मियों का सीज़न है, मैंगो का भरमार है और इसमें ये मैंगो का कुछ भी ड्रिंक बनाए ठंडा ठंडा कूल कूल तो अच्छा लगता है। तो चलो आज हम बनाते हैं मैंगो मस्तानी। मैंगो को पहले 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख दें, जिससे कि उसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाए। थोड़ी सी गर्म होता है मैंगो, तो उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। ये देखिए, मैंने मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम मैंगो लेके इसका पल्प बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सी में मैं डाल रही हूँ, थोड़े से पीसेस ऐसे ही रहने देंगे और थोड़े से पीसेस हम पल्प बना लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे क्योंकि मैंगो कई बार थोड़ा खट्टा भी होता है और थोड़ा चीनी डाल के उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2-2.5 चम्मच के करीब चीनी डाल दी है। अब इसको हम पीस लेते हैं। ये मैंने पल्प बना लिया है, अब ये थोड़ा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल देते हैं और इसको फिर से मिक्सी में चला देते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से कर लिया है इसको। ये थोड़े से हमारे पास ये हैं और थोड़े से हरे ये लिए हैं, ड्राई फ्रूट हैं कि आप बादाम काजू कुछ भी ले सकते हैं। ये चेरीज हैं, थोड़ी सी पिस्ता है, जो भी आप ऊपर डालना चाहें। और एक आइसक्रीम ले लेंगे। तो चलिए इसको सेट करते हैं। हम सबसे पहले हम ये मैंगो के पीसेस डालेंगे थोड़े से। ये मैंने मैंगो के पीसेस डाल दिए हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी आइसक्रीम डालेंगे। मैंने यह वनीला आइसक्रीम ली है, आप चाहे तो वनीला ले लीजिए, चाहे तो आप मैंगो ले लीजिए। ये मैंने खुद ही घर पे बनाई है, इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम डाल दी है। अब इसके बाद ये जो हमने पल्प बनाया था मिल्क के साथ, ये थोड़ा सा डाल देते हैं। ये थोड़ा सा डाल दिए। अब फिर से हम थोड़े से मैंगो के पीसेस डाल देते हैं। और इसके बाद फिर से आइसक्रीम थोड़ी सी डाल देते हैं। अब फिर से पल्प डाल देते हैं। इस तरीके से आप लेयर बना बना के आप इसको पूरा कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर हम आइसक्रीम लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने आइसक्रीम लगा दिए। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ये मैंगो के पीसेस लगा देंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा ये चेरीज, किशमिश, जो भी आप डालना चाहें। आप नीचे अंदर भी डाल सकते हैं ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से ये आपकी मैंगो मस्तानी बन के रेडी है। इस तरीके से आप बनाइए, खुद भी पीजिए, दूसरों को भी पिलाइए, इस गर्मी के मौसम में ठंडक दिलाइए, सभी को खुश कीजिए। फिर मिलते हैं एक हेल्थी रेसिपी के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।